जो आज हम ऐसे करेंगे अनफॉरगेटेबल चाइल्डहुड मेमोरीज। अनफॉरगेटेबल कहते हैं ना भूलने वाला, चाइल्डहुड बचपन और मेमोरी यादें, यानी वो यादें जिनको हम भूल नहीं सकते। तो बचपन में हम बहुत ज्यादा जो है ना वो छोटे होते काम करते हैं, हम खेलते हैं दोस्तों के साथ, और उसके अलावा आपको याद है इस तरह डिब्बे बना के हम एक पांव से उसके ऊपर भी खेला करते थे कुछ बच्चे, और ये जो है साबुन वाले पानी के बबल्स बनाना। इसके अलावा एक बहुत बचपन में एक कोलरा छुपा की एक गेम होती थी जिसमें कोई पैसे नहीं लगते थे। इसके अलावा साइकिल्स के पुराने टायरों के साथ गली मोहल्ले में खेलना भी एक अहम मशगला होता था। तो चाइल्डहुड मेमोरीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बचपन की यादें जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती हैं। मेमोरीज कहते हैं यादों को, इम्पॉर्टेंट अहम और आवर हमारी और लाइफ जिंदगी, क्योंकि जो हमारी बचपन की यादें होती हैं वही हमें सारी जिंदगी हमें आगे बढ़ने में मदद देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल मे बिहेव लाइक अ चाइल्ड व्हेन दे सी स्विंग्स। मिसाल के तौर पर कुछ लोग जो होते हैं वो बच्चों की तरह झूले देखकर बच्चे बन जाते हैं क्योंकि उनकी यादें जुड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कहते हैं बिहेव उनका जो रवैया होता है, और स्विंग्स कहते हैं झूले को। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़े होकर भी झूला देखकर बच्चे बन जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज आवर चाइल्डहुड मेमोरीज रिमाइंड अस ऑफ द थिंग्स एसोसिएटेड टाइम्स एसोसिएटेड विद द थिंग्स दैट वी आर एक्साइटेड अबाउट। दिस हैपन, ये क्यों होता है? क्योंकि बचपन की यादें हमें रिमाइंड याद दिलाती हैं उन वक्तों को जिनके साथ बहुत ज्यादा चीजें जुड़ी होती हैं जिससे हम बचपन में पुरजोश हुआ करते थे। यानी हमारे बचपन की यादें वो वक्त याद करवाती हैं और उसके साथ जुड़ी हुई चीजें जो हमें पुरजोश कर देती हैं। एवरी मैन और वुमेन हैज चाइल्डहुड मेमोरीज। हर आदमी और हर खातून की बचपन की कुछ यादें होती हैं। मैन कहते हैं आदमी को और वुमेन खातून को। आई हैव सम मेमोरीज टू, मेरी भी कुछ यादें हैं। सम कुछ और मेमोरीज यादों को कहते हैं। तो यादें हमेशा दिमाग में महफूज रहती हैं। आई वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। स्मॉल कहते हैं छोटे को, विलेज कहते हैं गांव को, बॉर्न कहते हैं पैदा होने को। माई फादर वॉज अ स्कूल विलेज स्कूल टीचर। मेरे जो वालिद साहब हैं वो एक स्कूल में उस्ताद थे, यानी वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। वी हैड अ सिंपल हाउस वेयर आई लिव्ड हैप्पीली विद माई पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारा एक छोटा सा घर था जहाँ पे मैं अपने वालदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी रहता था। सिंपल हाउस जो होते हैं वो बहुत सादा होते हैं, और उसमें पहले जमाने में सादा घरों में लोग खुशी के साथ रहा करते थे। आई ऑलवेज रिमेम्बर द प्ले ग्राउंड विच वॉज बिहाइंड आवर हाउस। आई ऑलवेज रिमेम्बर, मुझे हमेशा से याद है एक प्ले ग्राउंड, एक खेल का मैदान, विच वॉज जो कि कहाँ पे था, बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पिछवाड़े या पिछले हिस्से में, यानी हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा खेल का मैदान था। आई ऑलवेज यूज टू प्ले देयर विद माई फ्रेंड्स। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ वहां खेलता था, और पहले देखें दोस्तों के साथ खेलने के लिए कोई ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती थी। आवर विलेज वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ अ कैनाल। हमारा गांव एक नहर के किनारे था। नहर के किनारे जो हैं वो दोस्त खेलने चले जाते थे। एज
आई एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स यूज टू गो टू द किनाल जम्प इन इट एंड स्विम इन इट। मैं अपने दोस्तों के साथ नहर पर जाता था, उसमें छलांग लगाता था और तैरता था। जम्प इन इट छलांग लगाना और स्विम इन इट तैरना। चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू अ पोएट इज फुल ऑफ प्लेयर्स थ्रिल एंड एंटरटेनमेंट। बचपना एक शायर के मुताबिक खुशी और जोश से भरा होता है। यानी बचपन में आप जब याद करते हैं तो आपको खुशी होती है, आप एक्साइटमेंट फील करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। आई नो दे विल नेवर कम बैक एंड हेंस आई शैल चेरिश दोज मेमोरीज टिल माई लास्ट डेज। मैं जानता हूं बचपन कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन उसकी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। उम्मीद है आपको मेरा ये ऐसे पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।